और मैं यही बात चाहता था कि हल्का अरबाब ज़ौक 40-50 बरसों से इंतज़ामी तौर पर एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी आज बदनज़मी आने लगी थी, तो हम शुक्र गुजार है बानियों में से हैं हल्का अरबाब ज़ौक पिछड़ा हुआ। मेरा मुख्तसर सवाल ये है कि आपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जिक्र करके कि वो पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान चाहते थे, तो आपको इकबाल से खौफ आने लगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनकर आपने बड़ा एनालिसिस किया है आपने इकबाल के, अब उसके अदवार के भी और उसके अफकार के भी, लेकिन अब हमें खौफ आने लगा है। मुझे ये सवाल करना है कि आप इकबाल का इर्तकाज कहाँ महसूस करते हैं, वो कहाँ मुर्तकज होकर एक रहनुमाई बता करते हैं। मैंने इमरान ख़ान की बात इसलिए की कि वो बारहा ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान को इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, एक इकबाल नहीं है, एक पुराना इकबाल है, एक नया इकबाल, एक वो जो यूरोप जाने से पहले इकबाल था और वो जो आने के बाद था। अब जो आने के बाद वाला इकबाल है, जिसने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा और जिसमें जिसके बाद फिर शाहीन की बात वो बार बार करते रहे, झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, तो वो चीज़ें जो हैं वो उससे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि वो एक बड़ा मिलिटरिस्टिक इकबाल है। तो मैंने ये सवाल के तौर पर उठाया था कि आखिर कौन सा इकबाल, पुराना कि नया। बहुत अच्छा नुक्ता है आपका। यकीनन यूरोप में दो मकातिब फ़िक्र थे, जो रोशन ख्याली का दौर था जिसको अंग्रेज़ी में दी एनलाइटनमेंट कहते हैं, और जो 16वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का था, उसमें इस तरह की चपकलिश ज़रूर थी, लेकिन साइंस तब तरक्की कर सकी जब कलीसा को जेर कर दिया गया, जब साइंसी सोच हावी हो गई इस तरह की मजहबी सोच के ऊपर। तो एक बड़ी खूबसूरत किताब है, बल्कि दो जिल्दों में है, अ हिस्ट्री ऑफ द वॉरफेयर बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड साइंस, और ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लिखी थी, रेक्टर ने लिखी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ने लिखी, जिसमें हज़ारों मिसालें हैं। और आप ठीक कह रहे हैं कि उधर एक बायोटेक्नोलॉजी तो नहीं थी उस ज़माने में, लेकिन ज़रूर बायोलॉजी एज अ साइंस थी। तो मिसाल के तौर पर एवोल्यूशन के ऊपर, जो एक साइंसी हकीकत के तौर पर उभरी थी आज से 200 साल पहले, उसको सपोर्ट किया गया, उसको कलीसा ने, उसको चर्च ने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हाँ, आज भी यूरोप में यूरोप ने अमेरिका में क्रिएशनिज्म है, और ये कहा जाता है कि इंसानी इर्तका जो डार्विन ने बयान किया था गलत है, मगर ऐसे सिर्फ चंद लोग हैं और वो बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स में नहीं हैं, वो बाहर के हैं। तो अमेरिका में भी हर तरह के अनपढ़ लोग होते हैं, वो जो जिस तरह जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो उस तरह की बात करते हैं, लेकिन जनाब ये आपका ठीक है। डॉक्टर साहब से पुराना मेरा ताल्लुक है, तो उनका नाम शायद मसूद है। थोड़ा सा मैं इनका तारुफ कराऊँ, पीटीवी में प्रोड्यूसर थे, हमने मिलकर एक सिलसिला शुरू किया था 13 किस्तों पर मुश्तमिल, असरार जहां, और जी किस साल में था? 99 नहीं 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 2004 में, 2004 में, उससे पहले बज़ में कायनात, और उसमें प्रोड्यूसर कोई और था। चलिए, तो डॉक्टर साहब आपकी गुफ्तगू में ना, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने कम अज़ कम इकबाल को जीनियस पढ़ा, ये भी बड़ी बात है, आजकल तो बहुत से लोग वो भी नहीं मानते,
लेकिन ये वैसे मैं सिर्फ ये है कि दो तीन बातें आपने कही जिससे मुझे रिफ्तारी तौर पर इख्तलाफ है। पहले आपने कहा जी कि एक जगह पर कि गालिबन मौलवियों के डर से बाहर नहीं निकला, उधर आके बातें करें ताकि सुनने में आए। यहाँ तक शुक्रिया जी। सिर्फ यह है कि आपने कहा कि जी मौलवियों के डर से इकबाल ने ये नहीं कहा, एट अ पासिंग रिमार्क। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मौलवियों के ख़िलाफ़ अगर सबसे ज़्यादा किसी ने लिखा है तो वो इकबाल ने लिखा, ठीक है। और मौलवियों के और मुलाइज़म के ख़िलाफ़ अगर किसी ने लिखा है तो सबसे ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि आपने दो तीन लाइनें कोट की शिकवे से एज इफ़ कि वो इकबाल का वो नज़रिया है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि इकबाल का नज़रिया शिकवा नहीं है बल्कि जवाब शिकवा है। कि शिकवा में वो आम लोगों के जो उस वक्त का मुसलमान सोच रहा था उसकी पोर्ट्रेल है। तो इकबाल इज़ नॉट इन शिकवा, इकबाल इज़ इन जवाब शिकवा। एक तीसरी बात सिर्फ ये है, मैं छोटी सी आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ कि इकबाल को फलसफी नहीं, मैं भी नहीं मानता फलसफी, मैं तो एक शायर मानता हूँ, वो शायर बहुत बड़ा शायर था। आप इख्तलाफ एक जब उसके मिलिट्रलिज्म की बात करते हैं आप, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो एक ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुआ और ग़ुलाम मुल्क में मरा। उस ग़ुलाम मुल्क में उसने जब देखा कि लोगों के जो ग़ुलाम लोग हैं उनका क्या हालत है और ख़ास तौर पर मुसलमानों की क्या हालत है, अगर आप वहाँ एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो अमन के और भाईचारे के नगमे गाएगा, तो वो उसने नहीं गाए। इसलिए नहीं गाए कि वो उसके ज़मीनी हालात आते थे। हाँ, किसी और ज़माने में पैदा होता, जैसे अतिया फैज़ी ने कहा कि इकबाल का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो एक ग़ुलाम मुल्क में पैदा हुआ, तो वो उसको दुख होता था, उसने कहा। हाँ, अब आप इस ज़माने में उसके मिलिट्रलिज्म के उसको आप अग्री करें या ना करें, वो एक अलग बात है। तो मेरे चंद एक बातें थी। बहुत 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 अच्छा कहा शाहिद मसूद साहब, आपका ममनून हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आपके मुल्क के ऊपर कब्ज़ा होता है तो आप कोई मीठी मीठी बातें तो नहीं करेंगे ना। तो फिर वो कसीदा क्यों लिखा था मलका विक्टोरिया की शान में, ये बात नहीं समझ में आई। और भी मुझे और भी मुझे और भी मुझे और भी बहुत सी बातें हैं। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि असल इकबाल कौन सा है। तो आपने कहा कि मुलायत के खिलाफ उन्होंने दिल घोल कर लिखा, हाँ बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ मुलायत के वो कायल भी थे। तो जब उनकी तलाक हुई तो उसके बाद तलाक नहीं, हाँ शादी हुई, फिर बीवी को देखे बगैर उन्होंने तलाक दे दी। अब लोगों ने इनसे कहा कि आप इन्हें ले लें वापस, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने पीर से इसकी इजाज़त नहीं लेता हूँ, क्या कहते हैं कि कितना वक्त अलग होना चाहिए, किधर, हाँ जब तक वो वक्त पूरा ना हो तो मैं ये नहीं करूँगा। तो वो एक तरफ तो मानते भी थे, दूसरी तरफ कभी कभी उनको धुतकारते भी थे। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ज़माने में उन्होंने क्या बात की, इसलिए कि कभी कुछ कहते थे तो कभी बिल्कुल उसका उलट कहते।
ये बात दुरुस्त है आपकी कि वो फ़ख्र भी करते थे कि हम लोगों ने उस सुनहरे दौर में क्या कुछ किया, कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, इल्म के चिराग जलाए थे वगैरह, और हम भी फ़ख्र करते हैं, आप और मैं भी फ़ख्र करते हैं इस बात पे। लेकिन फिर उन्हीं लोगों को आप बुरा ना कहें जिन्होंने सबसे बड़े बड़े काम किए थे उस ज़माने में, और वो किस बिना पर किए थे? वो इसलिए कि उन्होंने यूनान से मंतिक, यूनान की पुरानी साइंस ली थी, उसमें जिद्दत पैदा की थी, जो कि साइंस का एक तरीका कार है। साइंस जो है वो इर्तका पजीर होता है, लेकिन इकबाल साइंसी तरीका कार के बिल्कुल मुखालिफ हैं। और यहाँ ठीक है, आपका आपकी बात सही होगी कि मेरा मुतालिया इतना गहरा नहीं है जितना कि होना चाहिए, सतही है, चलिए सतही कह लें, लेकिन जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ और ख़ास तौर पे जो बातें उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी और जो साइंस से मुतालिक है, वो तो साइंस के बिल उसकी जड़ें काटती। बाई द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ऑनवर्ड पूरे यूरोप में, क्या पूरी दुनिया में, जो हमारे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पर जो डिसिप्लिन्स पढ़ाए जा रहे थे उसका ताल्लुक बराह रास्त हमारी उस जदीद तमदनी ज़िंदगी के साथ था जिसमें हमें दीनियात में तहकीक की बजाय जो जदीद, जो हमारे मॉडर्न डिसिप्लिन थे, जो हमारे अलूम थे, फ़नून, साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, वो पढ़ाए जा रहे थे। लिहाजा अल्लामा इकबाल, क्योंकि ये सारा एसेट जो है गुज़श्ता 150-200 साल का ये यूरोप के पास मौजूद था, लिहाजा इकबाल के लिए प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम यूरोप के मुकाबले में सामने ला सकते हैं। उनका ख्याल था कि मज़हब, लिहाजा मज़हब को उन्होंने टोटैलिटी में, ये उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, आगे उसको हाईलाइट किया जाए कि जिसके मुकाबले में जो जदीद जो साइंसी और इमरानी अलूम हैं, जो पूरी जो पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लामा इकबाल का ये जो ख्याल था कि मज़हब के ज़रिए हम जो जदीद तमद्दुन है इसका मुकाबला कर सकते हैं, इस हवाले से वो किस हद तक आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? उसका जवाब तो बिल्कुल आपके सामने है। 800 साल से एक चीज़ भी मुसलमानों ने ईजाद नहीं की है, कोई ना बिजली की है, ना टेलीफोन किया है, ना जो अद्वियात जिससे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है। हम उन चीज़ों को तो अपनाते हैं, पूरा फ़ायदा लेते हैं। अब इस सड़क के उस पार शिफा अस्पताल है, आप शिफा अस्पताल जाएं तो जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो आपको आयतें लिखी हुई दिखाई देती हैं, वहाँ आपको ये तासुर दिया जाता है जैसा कि यहाँ पहुँचेंगे तो इस्लामी तरीके से आपकी सेहत दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन सारी की सारी मशीनें 100% मगरब की बनाई हुई हैं। उधर आप जाएं तो सीटी स्कैन, उधर जाएं तो सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वगैरह, एक्सरेज, रेडियोग्राफी वगैरह, ये कहाँ की है? ये सब गोरे की बनाई हुई है, गोरे का कोई मज़हब नहीं, कोई दीन नहीं, इसीलिए तो वो आगे निकल सका। तो अब ये क्या है, इसका हम इलाज निकालें? अब एक एक बात जो मेरे दिमाग के अंदर फंसी हुई है अभी बता देता हूँ आपको। एक बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो हर वक्त टीवी पे दिखाई देते हैं और यूट्यूब पर, और वो कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज जो है वो अजवा की खजूर से है। अब कुछ ही दिन पहले वो अस्पताल में पहुंचे थे और उनका स्टेंट लगा हुआ था, स्टेंट वो गरीबों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए वो कहते हैं कि अजवा की खजूर खाओ, और जब खुद दिल का मर्ज कोई उसमें मुबतला होते हैं तो अस्पताल चले जाते हैं, जहाँ एक्सरे से ठीक नाली डाली जाती है, दिल की मरम्मत होती है। मेरे हाथ में ये कुलियात इकबाल है, इसको खोल के देखिए तो इसके सफ़ा नंबर 207 से 9 तक नबिया मरीख का वाहज़ाए, जो जिसका लुबे लुबाब एक सेकंड लूँगी क्योंकि फ़ारसी में है, तो उसमें इकबाल ने औरतों के बारे में जो कहा है उसका
अनजान ये है जी, उसका अनजान ये है कि जनीन और तरीके से परवरिश पाएंगे, रहम की हालत के बग़ैर सहर हासिल होगी, टेस्ट ट्यूब बच्चे पैदा होंगे ताकि मर्द जो सरापा अरहमन है दौरे कदीम के हवानात की तरह ख़त्म हो जाए। देखो देखो ना, लालाए बेदाग पाक दामन शबनम के बग़ैर ज़मीन से उगता है, ज़िंदगी के असरार खुद ब खुद बाहर आते हैं ताकि जीस से बग़ैर मिजराब के नकबे फूटते हैं। ऐ सदब तहे दरिया तश्ना मर जा, लेकिन बारिश के गिरने वाला कतरा अपने अंदर न ले, उठ और फितरत के ख़िलाफ़ नबर्द आजमा हो जा ताकि तेरी जद्दोजहद से कनीजी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। औरत की तौहीद यही है, औरत की तौहीद यही है कि दो के वो दो बदनों के रब से आज़ाद हो जाए। तू अपनी हिफाजत कर और मर्दों पर कभी नाज ना कर, ये उसके आखिरी शेर हैं जिसमें सारा ही इकबाल ने औरतों के बारे में कहा है कि तुम अपनी मर्ज़ी से अपने पार्टनर ही नहीं बल्कि अपने रहम में बच्चों के लिए डिसीजन ले सकती हो, तुम चाहो तो मर्द पैदा करो और तुम चाहो तो औरतें पैदा करो। ये फ़ारसी में है। मेरा आपसे सवाल ये है कि 1935 से ले कर 2019 तक और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान से ले कर आज के पाकिस्तान तक और बेनज़ीर से ले कर आज तक के इमरान खान के पाकिस्तान तक औरतों के लिए साइंस में जो कुछ इकबाल ने कहा है वो भी आप सुन लीजिए, और वो जो ज़मीन पे मज़हब के ज़रिए हो रहा है वो क्या है, इन दोनों अख्तलाफात में किसे बेहतर समझा जाए, किसे बेहतर समझा जाए। इकबाल के ख्यालात ख्वातीन के बारे में कुछ ऐसे थे जो शायद आपको पसंद ना आए। वो कहते थे कि मगरबी तालीम है जो औरतों को दीवाना कर रही है, कि इनका असल मकाम तो घर में है, कि घर से कि इनका काम है बच्चों की परवरिश करना। इनकी तीन बीवियां थीं जैसा कि आपके इल्म में है, और बेअंत वक्त तीन थीं और वो पर्दे में थीं, सारी बीवियां पर्दे में थीं, वो पर्दे के मुकम्मल हक में थे। लेकिन देखिए, मर्दों के लिए तो थोड़ी सी छूट होती है ना हमारे यहाँ। तो अतिया फैज़ी का आपने ज़िक्र किया, एमा वैगनर भी थी, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। अब आप अगर आपका सवाल ये कि रिवायती सोच क्या है औरत के बारे में, तो वो ये है कि उसका काम है घर संभालना, बच्चे पैदा करना। जो जदीद सोच है वो ये है कि औरत और मर्द एक जैसे हैं, बराबर हुकूक हैं उनके, कि उनको शाना बशाना चलना चाहिए, काम करना चाहिए, दफातर में करना चाहिए। अगर और मर्द साइंसदान है तो औरत भी साइंसदान बन सकती है। और अब जदीदियत जो है वो रिवायती माशरे के ऊपर हावी हो रही है मुकम्मल तौर पर, तो ये भी अमरीका में भी यूरोप में भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जानिब बराबरी की रविश जो है बतदरीज बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो आपको पता है क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे थोड़ा सा इसलिए हौसला हुआ कि यहाँ आके दोस्तों ने सिर्फ सवाल की बजाय कुछ थोड़ी सी वजाहत भी की। बुनियादी बात यह है कि इल्मी गुफ्तगू में जिस मौजू पर गुफ्तगू की जाए उसका दायरा पहले मुतय्यन किया। शायरी के हवाले से तो मैं बात नहीं करूंगा कि हुजूर साहब का हाथ तंग है इस मामले। ये जो लेक्चर्स की बात है, लेक्चर्स का सिर्फ टॉपिक देख लिया जाए और उस हवाले से बात की जाए। लेक्चर्स का टॉपिक ना ये साइंस की किताब है, ना फिज़िक्स की किताब है, ना फ़लसफे की किताब है, ये किताब है थाट की, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजस थाट इन इस्लाम। अब सवाल ये बनता है कि क्या इकबाल से पहले जो मुसलमानों की फिक्री रवायत थी इकबाल ने उसको ब्रेक किया, उसमें कोई इकबाल ने ब्रेक थ्रू किया, आगे लेके गए या पीछे लेके गए। मैं लंबी बात नहीं करता, सिर्फ दो तीन बातें। एक तो मेरे दोस्त अल्ताफ़ साहब ने बताया, मतलूब साहब ने, उन्होंने बताया कि इकबाल ने ये क्रेडिट दिया कि मुसलमानों ने डिडक्टिव लॉजिक की बजाय इंडक्टिव लॉजिक को रिवाज दिया। इंडक्टिव लॉजिक साइंटिफिक इंक्वायरी की बुनियादी शर्त है।
फिर उन्होंने जो तीन सोर्स बताए नॉलेज के, वो बताया तारीख है, मुशाहदा है और इंट्यूशन है। और इंट्यूशन के बारे में ये कहा, इट इज़ सब्जेक्ट टू डिस्कशन, इट इज़ सब्जेक्ट टू एनालिसिस, कोई बंदा अपने इंट्यूशन को दूसरे पर ठोंस नहीं सकता। ये है लॉजिकल थिंकिंग जो इकबाल ने दी। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि ये जो जन्नत और दोजख है, ये जहनी हालतें हैं प्लेयर और पेन की। कोई है पाक मुसलमानों के थिंकर्स में जिसने इस तरह की बातें की? अब रह गई बात आगे इम्पेक्ट की। बात यह है, इकबाल जैसा मुफक्किर और शायर आपको पूरी दुनिया की तारीख में इसलिए नहीं मिलेगा कि उसकी जो वारदात थी, अब मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, ये लेक्चर उसकी वारदात का एक अशर अशीर है, छोटा सा हिस्सा है। वो पैराडॉक्सेस जो नहीं यहाँ हल होते, उसकी वारदात में हल होते हैं। आज साइंटिस्ट दोनों तरह के मौजूद हैं, इंतहाई क्वांटम फिजिक्स के एडवांस साइंटिस्ट बिलीवर भी मौजूद हैं, नॉन बिलीवर भी मौजूद हैं। लिहाजा साइंस ये फैसला कभी भी नहीं कर सकती आपके माइंड में कि आप उससे बिलीवर हो जाएं, आप उससे नॉन बिलीवर हो जाएं। गोया वही साइंस एक बिलीवर के लिए दलाइल दे देती है, बहुत सारे पेश कर देती है, और वही साइंस एक एथिस्ट के लिए भी दलाइल पेश कर देती है। अब रह गई बात जी, इस वक्त आप अमरीका की बात कर रहे हैं, अमरीका गिरवी है इस वक्त इसराइल जो रेशियल सेक्रेट स्टेट है, उनके सरमायादारों के ताबे है सारी साइंस डेवलपमेंट, सारी वारफेयर की जितनी हो रही है। ये हैं ऑब्जेक्टिव सदाकत। अब एक बंदा आपको ग़ुलामी से आज़ादी दिलाता है और उसकी मिसालें देकर और उसकी मदद से और बेशुमार मुल्क मुसलमान मुल्क आज़ाद होते हैं। अब ये सदियों का सफ़र जो है ना, उसको लम्हों में ना गिने। आप ये देखें कि जिस वक्त इकबाल शेर कह रहा था, आपकी गज़ल रो रही थी, आपका मर्सिया पॉपुलर हो रहा था, और जितना शायर कुछ ज़्यादा रुलाए उतना बड़ा शायर था, उसने आपको ये कहा, जो बंदा कहता है यार पागल हो गया यह बंदा कैसी बातें कर रहा है, उसने कहा तुमने नई दुनिया पैदा करनी है, तुमने दुनिया की क़यादत करनी है, तुम बहुत बड़ी कौम हो। तो एक कौम बना दी, एक मुल्क बना, बीसों मुल्क आज़ाद हुए, अभी ताज़ा हमने आज़ाद। सर मुझे बात कर लेने, इसलिए कि मैं तब मैंने जुरत ली है, मैंने उस वक्त मैं बस करता हूँ। चल, इन साहब से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन कुछ बातें आपकी सही हैं, मैं बहुत शुक्रिया। चल, तो जिस बात पे हमारा इत्तफाक है कि कुछ मुसलमानों ने उस सुनहरे दौर में बहुत बड़े काम किए। मैं जब अपनी क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इब्ने हाशम का हमेशा जिक्र करता हूँ कि इब्ने हाशम ने ऑप्टिक्स में ये काम किया। और क्यों ना करूँ, सच्ची बात है, हमें खुश होना चाहिए कि हम अगर हमारे आबाओ अजदाद में से कोई बड़े लोग थे। जो एक बात आपने की जो बहुत मुझे गलत लगी, बहुत तकलीफ देती है, आपने जो क्वांटम मैकेनिक्स पर शुबा किया ना, वो मेरा अपना मजमून है और मैं पढ़ाता हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जो आपका इस वक्त फ़ोन है ना, स्मार्टफोन, ये मुमकिन ना होता क्वांटम मैकेनिक्स के बगैर। तो इस पर तो कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। अब ये है कि उसमें कुछ बारीकियां हैं कि श्रोडिंगर्स कैट और ये वगैरह वगैरह, उसमें आप उससे आप परेशान ना हो। हम बहुत दावे से कह सकते हैं कि जो साइंस की इजादात हैं, साइंस की दरियाफ्तें हैं, वो ठोस हैं, और बाकी जो है फलसफे की और ये कि क्या अच्छा क्या बुरा, ये वो बातें अलग हैं। लेकिन जो साइंस ने किया ना, उसकी बुनियाद ये है कि यू कैन गो आउट, टच इट, फील इट। सर, मैंने जो समझा हूँ, जो तासुर है वो ये है, आखिर में भी बड़े आपने खूबसूरती से उसको एलेबोरेट कर दिया, कि हमारी तरक्की जो है वो मज़हब से दस्तकश हुए बगैर मुमकिन नहीं। मेरा सवाल ये है कि इकबाल ने अगर ये कोशिश की है कि हमें मामलात को अलग अलग कर लेना चाहिए, एक सतह है जो जदीद साइंस और उसकी तरक्की और ईजादात की है, उसमें मैं नहीं समझता कि इकबाल ने कहीं भी उस पर कदगन आयद की है। इसका अगर आप हवाला दे दें तो बड़ा हमारे इल्म में इजाफा हो। अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमें अपनी तहजीब और अपनी रिवायत और अपने मज़हब के साथ इस जदीद दुनिया में आगे बढ़ना है,
तो आखिर ये ऐसी कौन सी नामुमकिन ख्वाहिश है कि हम ये साबित करें कि इकबाल को फ़लसफ़ा भी नहीं आता था, इकबाल को साइंस भी नहीं आती थी, लिहाजा हम जो है वो उनके अफकार के साथ तरक्की नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि इकबाल की ये ख्वाहिश जो है इसमें क्या ऐसी नामुमकिन बात है कि जिसके साथ जो है वो हम जदीद दुनिया के अंदर इस्लाम और मज़हब और अपनी तहजीब के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, वो कौन सी रुकावट है? जी कौन सी ऐसी चीज़ है जब वो कहते हैं कि ये साइंस एक हकीर सी चीज़ है, असल चीज़ दिल है, दिल से आप दुनिया को जान सकते हैं, कायनात को जान सकते हैं, साइंस से नहीं, क्योंकि साइंस जो है सिर्फ ज़ाहरी चीज़ों पर चलती है। वो अक्ल, मुशाहिदा, खिरद, इन सब को एक सानवी दर्जा देते हैं, जबकि एक मुआशरा जो ज़माने के साथ चलना चाहता है उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी तरजीहात बिल्कुल और होती हैं। तो ये जो एक फिक्री फ़र्क है हम में और बाहर की दुनिया में, अब बाहर की दुनिया से मुराद सिर्फ यूरोप या अमेरिका नहीं है, उसमें जापान भी आ गया, उसमें चीन भी आ गया, सीपेक भी आ गया उसमें, अब वो लोग कहाँ पहुँचे हैं और हम कहाँ हैं? और सिर्फ हम, यानी पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब मुसलमान दुनिया को देखें तो बिल्कुल साइंस से खाली है, खाली है। एक चीज़ बताइए जो 800 साल में हम लोगों ने बनाई है, क्या है? महंगाई और बेहयाई, ये वो तो कोई चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक सरकारी कॉलेज में अंग्रेज़ी का उस्ताद हूँ, यासर चट्टाना। सवाल बड़े लंबे लंबे हैं, मैं ज़रा आप हो सकता है आपके सुनना वो वार्म अप हो रहा हो तो मैं सवाल मेरा ख़त्म हो जाए। हम इस सारी नशिस्त में ये देखते रहे साइंस और फ़लसफे की समाजियात क्या है, यही हम देखते रहे। इकबाल को बिलफर्ज हमारे जो तरक्की पसंद रोशन ख्याल दोस्त हैं वो इसी सवाल को एड्रेस करते रहते हैं कि ये फ़लसफी नहीं है, कुछ ने दिल खुला किया तो वो कहते हैं शायर हैं ये। क्या ये इतने बड़े सवाल हैं कि हम सारे इन्हीं में उलझे बैठे हैं? दूसरे दोस्त जो जिन्हें वो दाएं हाथ से ज़्यादा खाते और पीते हैं और सोचते हैं वो इसी फिक्र में रहते हैं कि उन्हें फ़लसफ़ी साबित करना है। हमारे माशरे की समाजियात में, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में, सोशियोलॉजी ऑफ़ फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस में इकबाल ने क्या रोल प्ले किया है बतौर साइंटिस्ट में और सोशल थियरिस्ट के तौर पर, एक क्रिटिकल थियरिस्ट के तौर पर? आप सवाल, शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि सोशियोलॉजी के हवाले से उन्होंने मुसलमानों में एक वलवला पैदा किया, एक जोश पैदा किया और उनको एक सिमत दी उस ज़माने में जब वो बहुत बदहाल थे, जब उन पर अंग्रेज़ मुसल्लत था। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जहाँ तक नई फिक्र की बात है मुझे तो अब तक समझ में नहीं आया कि वो क्या नई फिक्र है जिससे हम पहले आशना नहीं थे। थैंक यू फॉर द पॉलिटिकली इनकरेक्ट ओपिनियन। मुझे इकबाल याद तो ज़्यादा नहीं आती, बट एज अ साइंटिस्ट आई हैव अ क्वेश्चन। वो ये कि आप आपने जो अपना पॉइंट, अपनी क्रिटिक बेस की है, वो क्रिटिक आपने बेस की है तीन पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपने लिए हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम से। आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू हियर। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की निगेशन है। आपका तीसरा पॉइंट ये था कि साथ ही में वो ये कहते हैं कि रिलेटिविटी को तो हमने खुद दरियाफ्त की थी मुसलमानों ने और आइंस्टाइन ने सिर्फ उसका क्रेडिट लिया है। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज अबाउट मैथमेटिकल कॉन्टीन्यूटी। वो तो चले ठीक है, उसे समझ हम ये बात अखज़ कर लेते हैं कि यू आर सेइंग दैट इकबाल हैड नो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, इन बातों से वो साबित हो जाती है। इन तीन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको यही चीज़ एक पब्लिकेशन में साबित करनी पड़े कि इन तीन पॉइंट्स के अलावा आप किस क्या एविडेंस है आपका कि आप ये कहते हैं कि इकबाल कम्प्लीटली रैशनल थॉट के ख़िलाफ़ थे। आपने बड़ा नीटली डिवाइड कर दिया है इकबाल की स्पिरिचुअल साइड को और इकबाल की जो उससे पहले का टाइम पीरियड था, आपने टाइम स्पैन पे डिवाइड कर दिया है कि बंदा चेंज हो गया है, उनकी थिंकिंग में एवोल्यूशन आ गई।
पर अगर आप ये देखें, इकबाल वॉज नेवर द साइंटिस्ट. उनके पास तो कभी साइंटिफिक नॉलेज था ही नहीं. आपको नहीं लगता आप एक अपनी क्रिटिक में एक चीज़ को कन्फ्यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को? इकबाल हैड नो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बट ही वॉज अ प्रोग्रेसिव थिंकर. उनकी जो 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 स्पिरिचुअल उनका जो टाइम पीरियड है और उससे पहले का टाइम पीरियड है, उन दोनों को आप नीटली डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले का असर दूसरे में आता है. उनकी कहीं ना कहीं जो सेकेंड टाइप की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, री अवेकनिंग आप कह लें, उसमें राशनल थॉट कहीं ना कहीं नज़र आती है. क्योंकि अगर वो सिर्फ प्योरली इमोशनल होता तो वो तो मुलाज़िम को कभी डिफेंड ना करते, वो तो उसके ऑपोजिट खड़े थे. आपको नहीं लगता ये एक बारीकी है जिसको आपने मिस कर दिया है? मैंने बहुत सी बारीकियाँ मिस कर ली हैं, आपकी बात ठीक है. मेरा मकसद यहाँ नहीं था कि मैं बारीकियों में जाऊँ. मेरा मकसद था कि वो बातें जो आम तौर पर इकबाल के बारे में कही जाती हैं, उनको बारीक बीनी से देखा जाए. और एक तो ये कि वो फलसफी नहीं थे. अब मुझे उम्मीद है कि आप उस नुक्ते पर मुझसे इत्तफाक करती हैं. ओके, गुड. दूसरे ये आपने कहा कि ये तीन पॉइंट्स के अलावा और बताओ. अच्छा ठीक, बहुत से हैं वो, फिर आप चाहें तो हम मिलकर देख सकते हैं, चाहें तो आप अलग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट पढ़ें, नुक्ते बहुत से निकलेंगे वहाँ से. लेकिन देखिए, मेरे नज़दीक ये ही काफ़ी है कि एक बात भी गलत की जाए, दो बातें तो उससे भी ज़्यादा है, और तीन बातें तो बहुत ज़्यादा. मुझे अगर मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अगर सर्जरी के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या मैं अपनी राय दूंगा? क्या मैं कभी लिखने की जसारत करूंगा कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, एक ऐसे शोबे से मुतालिक जिसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूं? अब जिसने मैट्रिक भी नहीं की हो, वो आइंस्टाइन को ललकारने लगा, ये बात गलत है ना. मैं इसकी तरफ आ रहा था. सर, जैसे कि यहाँ पर बहस हो रही है मज़हब और साइंस, हम सब जानते हैं कि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल ज़ाहिरी चीज़ों पे अमल करती है. तो इकबाल तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन जो क्रिएट हुआ था रिसेंटली, मैं उसको करूँगा यहाँ पर. हमारे पास थ्योरी मौजूद है, थ्योरी मौजूद है कि गॉड एग्जिस्ट इन मज़हब, साइंस टेल्स दैट डजेंट एग्जिस्ट. सो थ्योरी में हमें कुरान में बताया गया है कि 7 आसमानों के ऊपर खुदा मौजूद है, जबकि साइंस प्रैक्टिकल करती है. तो साइंस प्रैक्टिकल क्यों नहीं करती है? साइंस वैसे ही मतलब इलॉजिकल है ना, तो साइंस कहता है प्रैक्टिकल, तो साइंस को जाना चाहिए और प्रैक्टिकल करना चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए ना कि खुदा डजेंट एग्जिस्ट. मेरा यही सवाल है भाई. आपको भाई, आपको किसने बताया कि साइंस ने कहा कि खुदा नहीं है या कि खुदा है? ये तो आपने अपनी तरफ से बात घर ली है ना. इसके बारे में साइंस मुकम्मल तौर पर खामोश है. साइंस में कहीं ये नहीं है कि खुदा हो नहीं सकता, मगर हम खुदा को अपने आलात से देख नहीं सकते. किसी ने कुदरत के कवानीन बनाए होंगे, हम तो सिर्फ ये जान सकते हैं कि वो कुदरत के कवानीन हैं, उनके इस्तेमाल से हम ये पेशन गोई कर सकते हैं, उससे ये दरियाफ्तें हुई हैं, उससे ये ईजादें हुई हैं, मगर खुदा की बात साइंस से कोई ताल्लुक नहीं रखती. ये पता नहीं आपको किसने बताया. जी मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ सवाल करूँगा. लेकिन दो करेक्शंस के, एक तो इकबाल ने तीनों बीवियाँ इकट्ठी नहीं रखी कभी भी, एक एक अलग अलग रही है, और वो भी नाकामी, शादी में नाकामी के बाद रही है, वो उनका ज़ाती मामला था, नाकामी हो सकती है. और दूसरी करेक्शन ये कि शिकवा जवाब, शिकवा इकबाल ने वापसी पे नहीं लिखा, पहले लिखा है. और ये दोनों करेक्शंस के बाद मैं सवाल करूँगा कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन ऑफ इस्लाम आपने पढ़ी है, ज़ाहिर है आपने आके यहाँ उसका जिक्र किया, रिलेटिविटी का हवाला दिया. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम में दूसरे चैप्टर में इकबाल ने ओस्पेंसकी के हवाले से डायमेंशंस के ऊपर डिस्कस की है. आपने अपने टीवी के एक इंटरव्यू में फरमाया था कि आप स्ट्रिंग थ्योरी से दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं कि पढ़ सकें. चूँकि आप पहले टीवी पे फरमा चुके हैं कि आप डायमेंशंस की वो थ्योरी
जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो आप दिलचस्पी रखते हैं लेकिन पढ़ नहीं सके, तो मेरा सवाल ये है कि जब ऑस्पेंस्की की डायमेंशंस इकबाल ने वहाँ तरतीब से बयान की हैं और सेंट पीटर्सबर्ग के साथ ऑर्थोगोनल बताया है फोर्थ डायमेंशन का जिक्र करते वक्त, तो आपको वो समझ कैसे आई? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि वहीं पर इकबाल ने जहाँ पे ऑस्पेंस्की का हवाला दिया है, इकबाल ने कहा है कि आइंस्टाइन जो है वो फोर्थ डायमेंशन मानता है टाइम की, टाइम को स्पेस की, क्या आपको ये बात समझ आई है? अगर आपको नहीं आई तो आप मुझे बुला सकते हैं बाद में, मैं ज़रूर समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इकबाल साइंस की उन बारीकियों को नहीं जानते थे, क्वांटम को नहीं जानते थे? उसके बाद मेरी अर्ज़ ये है कि इकबाल वो पहला शख्स है जिसने आइंस्टाइन और जिसने आइंस्टाइन की थीरी को यहाँ मुतारफ़ करवाया और डार्विन की थीरी को यहाँ मुतारफ़ करवाया। 1922 में नज़ारतुल मारूफ़ में आइंस्टाइन पे पहला उर्दू में मज़मून शाया हुआ, लेकिन इकबाल का उससे पहले 4 मज़मून शाया हो चुके थे। इकबाल का जो नज़रिया इर्तका है वो इमरानी नज़रिया वाले मज़मून में भी है और कौमी ज़िंदगी वाले मज़मून में भी है। 1904 में अगर इकबाल मज़मून लिखकर जापान की सारी साइंसी तरक्की का बताकर हमें कहते हैं कि आपने एक लालटेन नहीं बनाया और जापान ने ये कुछ बनाया है, तो क्या वो इकबाल की अपनी कौम को तबलीग नहीं है कि साइंस की तरफ बढ़ो? इकबाल ने नज़रिया इर्तका सबसे पहले पेश किया, उस पर कुफ्र के फतवे लगे, और जैसा कि आली साहब ने कहा कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, चलें जी मेरा सवाल यह है कि इकबाल की आपको समझ कैसे आई? मुझे सवाल प्रिसाइज करने दें, प्लीज़ जाने से पहले सवाल प्रिसाइज करने दें, वो मैं प्रिसाइज कर रहा हूँ। नंबर एक, मेरा सवाल ये है कि इकबाल ने जो डिस्कस की क्वांटम वहाँ पे मैथमेटिकली, आपको कैसे समझ आई? क्योंकि आपकी अपनी पढ़ी हुई से वो एडवांस है। और दूसरा सवाल यह कि इर्तका का नज़रिया इकबाल ने वहाँ पेश किया, क्या आपने आपकी नज़र से गुजरा वो या नहीं? सफ़ा नंबर 124 पे है वो तश्कील जदीद। ठीक, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तीन बीवियों का एक वक्त पे होना है, हुजूर ये किताब ज़रा इसका मुतालिया कीजिए, आपको लगेगा कि आपकी बात गलत है। ये जनाब आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, जावेद इकबाल अपने वालिद के बारे में ये कहते हैं, आप ये पढ़ के देखिएगा। जहाँ तक फिज़िक्स की बात है, मेरा ख़्याल उस बहस में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन अगर उन्होंने नज़रिया इर्तका के ऊपर कुछ लिखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप वो मज़मून मुझे भिजवाएं। दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो पहला मुख्तसर सा क्वेश्चन है कि जो जितना साइंटिफिकली स्पीकिंग जितना आपने इकबाल पे पढ़ा, इज़ इट सफिशेंट टू गिव एन ओपिनियन ऑन इकबाल? साइंटिफिकली वाट एवर परवेज भाई साहेब हैव टुडे ही हैज, इज दिस सफिशेंट नॉलेज टू गिव ओपिनियन ऑन इकबाल? सिंपल। अच्छा, दो मुख्तसर से कमेंट्स। ये क्वेश्चन मैं भूल ना जाऊं, मैं साइंटिफिकली स्पीकिंग डज डॉक्टर परवेज हुदबई हैज सफिशिएंट नॉलेज ऑन इकबाल, हिज पोएट्री, हिज लिटरेचर एंड हिज पर्शियन पोएट्री स्पेशली टू गिव एन ओपिनियन एज ही हैज गिवन ऑन इकबाल? दूसरी दो छोटे से मुख्तसर से कमेंट्स हैं। नहीं, एक और, सिर्फ एक। एक और, अच्छा ठीक है, तीन का आपने कहा। एक और हाँ जी, तो ये एक हुआ ना सर। नहीं, अच्छा, दिल और दिमाग की इकबाल, मैं बहुत अदना तालिबे इल्म हूँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, पूरे 12,000 शेर भी नहीं पढ़े उर्दू वाले, फारसी वाला बिल्कुल नहीं पढ़ा और बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी। वहाँ से सर दिल और दिमाग का जो मुवाजना, दिल और दिमाग का जो मुवाजना इकबाल करते हैं और जिनको आपने टारगेट किया है कि वो अकलियत पसंद या अमली अमलियत पसंद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हर बड़े साइंटिस्ट में, हर बड़ा मैं कह रहा हूँ, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन का पहला पेपर जब रॉयल एकेडमी ने रिजेक्ट किया, हाउ लॉन्ग इट टोक, 12 ईयर्स रिव्यू उसने किया, ये BBC की द लास्ट मैजिशियन उसमें है डॉक्यूमेंट्री में। माई पॉइंट इज कि तमाम साइंटिफिक काम जो है वो उस जुनून से निकले हैं, उस जुनून से जो अकल डिक्टेट नहीं कर सकती, दिल डिक्टेट कर सकती। This is the point of Iqbal, which was very easily ignored, unfortunately. अच्छा, तो आपका पहला सवाल ये था कि जो नुकात मैंने आज यहाँ पेश करने की कोशिश की, क्या उससे
میں نے کوئی مکمل تصویر بنائی ہے اقبال کی کہ کیا ہاں 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 آئی تھنک دیٹ از سفیشینٹ وہ اس لیے کہ جو جہاں جہاں اقبال غلط بات کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ اقتباسات آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر اس میں وہ ایک جو میں نے پیرا پڑھ کے سنایا تھا وہ کتاب اس صفحے پہ کھلی ہوئی ہے 332 پہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلسفے سے تو نفرت ہے میں تو دین کی خدمت کرنا چاہتا تو وہ وہاں پر ہے تو یس اس لحاظ سے سفیشنٹ کیا میں اقبال کو مکمل طور پہ سمجھ سکا ہوں میری انڈرسٹینڈنگ میری سمجھ سفیشنٹ ہے بالکل نہیں ہے خاص طور پہ جو فارسی کے اشعار ہیں وہ تو کوئی ترجمہ کر کے مجھے بتائے تب سمجھ میں آتے ہیں تو یہ ناکافی ہے میں اپنی کمزوری مانتا ہوں کاش کہ میں نے زیادہ وقت اقبال پڑھا ہوتا جو تیسری بات آپ نے کی کہ نیوٹن نے اور جو بڑے سائنسدان ہیں پہلے دل میں وہ بات پہنچتی اور پھر وہ دماغ میں نہیں نہ بالکل میں آپ کو اس کی ایک بہترین مثال دے سکتا ہوں آپ کو پتا نا 79 میں ایک نوبیل پرائز دیا گیا تھا تین لوگوں کو ایک ہمارے عبدالسلام تھے ایک اسٹیون وائنبرگ تھے اور ایک شیلڈن گلیشاؤ اچھا شیلڈن گلیشاؤ کا کام ذرا الگ تھا تو اس کو میں شمار نہیں کرتا ہوں اب ہمارے سلام صاحب وہ کہتے تھے کہ یہ اوپر سے مجھے کہیں سے یہ بات میرے دل میں آئی اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہی مسجد کو دیکھ کر اس کے میناروں کو دیکھ کر مجھے وہ سیمیٹری کا تصور میرے مجھ تک پہنچا اسٹیون وائنبرگ جس کا کسی وقت میں شاگرد بھی تھا وہ تو دہریہ ہے وہ تو ایتھیسٹ ہے اس کو کہاں سے یہ انسپریشن ملی نہیں مگر دونوں کا کام بالکل ایک ہی تھا جس تھیوری پر وہ پہنچے بلکہ اسٹیون وائنبرگ کچھ مہینے پہلے 3 مہینے پہلے اس نتیجے پہ پہنچا تھا بعد میں ایک مسئلہ بن گیا کہ کس نے پہلے کیا کس نے بعد میں مگر دیکھیے ایک سائنسدان جب سائنس کرتا ہے تو اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مذہب کیا اس کا دین کیا اس کا رنگ کیا اس کی نسل کیا ہے ہم صرف سائنس جو مشاہدے اور عقل اور خرد پر مبنی ہے اس پر اس کی سچائی کو جانچتے ہیں بس ڈاکٹر ہود بھائی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر بات کی ہے جس پر لوگوں کے پر جلتے ہیں لوگوں کے پر جلتے ہیں اور بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ڈاکٹر ہود بھائی نے سوالات اٹھائے ہیں ان سوالات کا جواب دینا ہم سب کا فرض ہے بت پرستی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے لیکن ہم بت پرستی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اگر بت ٹوٹ رہے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے سب سے پہلے جو کام کیا گیا تھا وہ لات و منات کو کعبے سے نکالا گیا تھا اقبال کو لات و منات کی صورت میں یہاں پیش کیا گیا ہے اقبال میرے نزدیک فلسفی بھی ہیں اقبال عالم بھی ہیں علامہ بھی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر سوال نہیں ہو سکتا ان پر بات نہیں ہو سکتی ان پر کوئی کسی قسم کی ان کی گرفت نہیں ہو سکتی یہ سارے فلسفی جو ہیں یہ اس پر سوال کرتے رہے ہیں تو میں صرف ایک بات ڈاکٹر ہود بھائی سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہ فلسفی نہیں تھے وہ فلسفی تھے اور اب ان کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے یہ اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں مجدد ہوں کبھی بھی انہوں نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں مہدی موعود ہوں انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کا جو پہلا انٹرو ہے اس میں لکھایا جی کہ یہ کوئی فائنل بات نہیں ہے فائنلٹی کی بات نہیں ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے جو اس پہ تنقید کر سکتے ہیں تنقید کریں تو حضرات بڑی خوبصورت تنقید ہوئی اعلیٰ باتیں ہوئیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہود بھائی بہت بہت شکریہ